हाँ दोस्तों, आज हम ये विशेष मार्ग पर आप सुन रहे हैं विशेष शास्त्री के द्वारा मित्रों की तरफ से फरमाश आई है कि श्रवण कुमार से उस प्रसंग से दो लाइन बारहमासी सुनाएं, तो देखते हैं। एक दिन हुआ ऐसा, अरे विद्यापति बो नारी श्रवण की, अरे बाने कीनी चतुराई, विद्यापति बो नारी श्रवण की, भैया कीनी चतुराई, एक हड़िया दो पेट बना के कुम्हार से लाई, भैया एक हड़िया तुई पेट बना कर कुम्हार से लाई, जो श्रवण कुमार की पत्नी थी विद्यापति, एक दिन वो कुम्हार के पास पहुंची और जिसने कुम्हार से एक हड़िया बनवाई जिसके दोनों तरफ दो पेट बनवाए हैं, जब वो घर पे लेके आई है, अरे एक में खीर बनाती है, और वो खट्टा मेरी बना रोज अंधों को खिलाती है, भैया खट्टा मेरी एक तरफ खीर बनाती है और एक तरफ खट्टा मेहरी। जो श्रवण के माता पिता थे जो आंखों से अंधे थे उन्हें खट्टा मेहरी खिलाती है, लेकिन विधि का विधान श्रवण एक दिन जल्दी आया, अरे लला एक दिन जल्दी आया, अरे खानो भयो तैयार श्रवण मन में अजुआ रसाया, एक दिन वो भक्त श्रवण कुमार समय से पहले जब घर आया है, तो पत्नी ने जब अपने पति के लिए भोजन की थाली परसी है, भला सुनील अरे बदल गई भैया धोखे में उठारी, क्या बात है, अरे बदल गई धोखे में थारी, आज पिता खाई रहे खीर मगन है मन में अति भारी, पिता
थाली बदल गई, जो खटा महरी खिलाती थी वो खटा महरी अपने पति श्रवण कुमार को दी है और अंधी अंधों को खीर वाली थाली दी है। लला गजब है, आज अंधी अंधे बड़े प्रसन्न है। अरे महरी हुई गई लाल नार को गिरा तो यरे सुनाई, माता पिता खीर खा रहे हैं बड़े प्रसन्न हैं और खटा महरी जब श्रवण बेटा ने खाई है आंखें लाल लाल वो बजती है और अपनी पत्नी से क्रोध में आकर के बोले, अरे बनी तू आज नागिन कारी, अरे बन गई नागिन तू कारी, पिता के संग करी घटी आई अब बारी, अरे तो इन्हें मुख दिखलाऊंगा, तीर्थ करने माता पिता को संग ले जाऊंगा, अरे रोई रही विद्यावती नारी, सकर्म लिखी सोई रोई करो चैन लाखों चतुरा,